बच्चों आज का पूरा वीडियो डेडिकेटेड रहेगा बेस्ट कॉलेजेस ऑफ इंदौर। जिन जिन बच्चों ने डीएवी काउंसलिंग के बारे में मुझे क्वेश्चंस किए थे उनका एक और माइंडसेट था कि सर हमारा एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और अगर किसी की रैंक समझो 2000-2500 से ऊपर की रैंक है तो उसका अगर आईआईपीएस आईएमएस में एडमिशन या एसओसी में एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो क्या सर कोई और ऑप्शंस भी हैं? जो बच्चे इंदौर में आके पढ़ना चाहते हैं, इंदौर सेंट्रल इंडिया का एडुकेशनल हब है, तो आज हमारा पूरा वीडियो डेडिकेटेड रहेगा कौन से बेस्ट कॉलेजेस ऑफ इंदौर हैं या इंदौर में किसी को यूजी कोर्सेज या इंटीग्रेटेड कोर्सेज परस्यू करने हैं तो वो कौन कौन से कॉलेज की तरफ जा सकता है, कैसी प्लानिंग कर सकता है। आप में से मैक्सिमम बच्चों की ट्वेल्थ हो चुकी है बट ऐसे ही बहुत सारे बच्चे होंगे जो ट्वेल्थ में अभी होंगे, तो उन बच्चों को आफ्टर ट्वेल्थ बेस्ट यूजी कॉलेजेस ऑफ इंदौर, तो हमने टॉप 12 कॉलेजेस रैंक अप करे हैं, तो ये पूरा वीडियो उसके बारे में होगा। वो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन बच्चों ने अभी तक किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है या जिनका डीएवी की काउंसलिंग के थ्रू अगर आईआईपीएस या आईएमएस में नहीं हो पाता है तो वो कौन से कॉलेजेस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बात, एक कॉमन इंट्रोडक्शन बता दूं कि इस पूरे वीडियो में हमने स्टूडेंट प्रेफरेंस और मैक्सिमम एडमिशन के बेसिस पे कॉलेज की रैंकिंग करी है जिनका करिकुलम बहुत अच्छा है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला कॉलेज जो इंदौर का है वो है आपके पास आईआईएम। सर आईआईएम में कैसा 12th के बाद भी एडमिशन होता है? यस बच्चों, आईपी मैट एग्जाम होती है जिसके थ्रू आप 12th के बाद डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं आईआईएम में। यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेटेड 5 ईयर का कोर्स होता है जिसमें आपको 3 ईयर्स का पहले बीबीए कराते हैं फिर 2 ईयर्स का एमबीए होता है। तो सर आईआईएम से ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता है, और ये बात जानने के लिए कोई भी अगर इंदौर का स्टूडेंट है या सेंट्रल इंडिया का स्टूडेंट है तो ये बात जानने के लिए उसके लिए प्राउड फीलिंग होनी चाहिए कि ये कोर्स ऑल ओवर इंडिया में स्टार्ट कराने वाला पहले इंदौर का आईआईएम ही था। तो आईपी मेट इंदौर में पिछले 10 साल से हो रही है। अगर मैं बात करूँ सर, अगर हम इस कॉलेज से पास आउट होते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कितना पैसा, कितना पैकेज मिलता है। तो दोस्तों इसका मिनिमम एवरेज पैकेज है 25 लाख और हाईएस्ट पैकेज जाता है अप्रॉक्स 50 लाख के अराउंड। तो अगर आप आईपी मैट क्रैक कर पाते हैं थ्रू आउट योर 12th और अगर आप किसी भी प्रकार से आईआईएम इंदौर के अंदर एडमिशन ले पाते हैं थ्रू योर स्कोर, सर क्या ये ग्रेजुएशन के बाद भी होता है? हाँ, ग्रेजुएशन के बाद अगर आपको आईआईएम में एडमिशन लेना है तो यू हैव टू गो थ्रू कैट, बट अगर आप आईआईएम क्रैक कर पाते हैं तो आपके लाइफ का वन ऑफ दी बेस्ट मोमेंट हो सकता है वो। लेट्स गो टू द नेक्स्ट कॉलेज जो आप और हम जानते हैं, दैट इज आईआईपीएस, जिसके लिए आपने सब बच्चों ने जो पहले सीईटी दिया करते थे ये इस बार उन्होंने सीयूईटी दी। तो सर आईआईपीएस में बहुत सारे कोर्सेज हैं, अगर मैं बात करूं आफ्टर 12th बीकॉम ऑनर्स एमबीएएमएस एमबीए टूरिज्म एमसीए एमटेक ये आफ्टर 12th है, इवन आफ्टर ग्रेजुएशन एमबीए टूरिज्म एमबीए एंटरप्रेन्योरशिप एमबीए एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन और बहुत सारे कोर्स होते हैं आईआईपीएस के। बट अगर आपको आईआईपीएस में एडमिशन लेना है तो दोस्तों उसके लिए आपको सीयूटी देनी पड़ेगी। सीयूटी का स्कोर होगा, इस पर हम अपने लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं कि सीयूटी के किस स्कोर पे किस रैंक पे आपको कौन सा कोर्स मिलता है। लेट्स गो टू द थर्ड कॉलेज, दैट इज आईएमएस। तो सर ये भी डीएवी का कॉलेज है, इसके लिए भी एंट्रेंस CUET/ जो कि पहले होती थी CET हुआ करती थी। तो सर क्या ये हमारी लिस्ट में नंबर 3rd पे है? हाँ, जितना अच्छा आईआईपीएस होता है उतना ही अच्छा कॉलेज आईएमएस होता है। यहाँ पे पोस्ट 12th एमबीए ई कॉमर्स एक स्पेशल कोर्स होता है 5 ईयर्स इंटीग्रेट, तो एमबीए ई कॉमर्स के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं। अच्छे पैकेज होते हैं, अच्छा कल्चर होता है, और अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल डीएवी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है। लेट्स गो टू कॉलेज नंबर 4, अगर हम बात करें तो प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च। अगर आप इंदौर के स्टूडेंट हैं या आप सेंट्रल इंडिया के स्टूडेंट हैं तो आपने प्रेस्टीज कॉलेज का नाम सुना ही होगा। कॉलेज काफी अच्छा है, फैकल्टीज काफी अच्छे हैं। हाँ, कहीं कहीं पर एक एंगल पे कॉलेज की फीस थोड़ी अपर एंड पे है, बट ओवरऑल इस कॉलेज का आरओआई काफी अच्छा है। अगर आपका डीयूवी में किसी कॉलेज में नहीं हो पा रहा है तो आप प्रेस्टीज के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन योर ओन विल कि आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं, क्योंकि एक और बात बताना चाहूंगा मैं कि आप किस कॉलेज में बीबीए में कितना पैसा दे रहे हैं, इससे इनडायरेक्टली ये अमाउंट भी सेट होता है कि आप उसकी एमबीए के लिए कितना पैसा खर्च करेंगे। अगर आपने बीबीए में ही बहुत सारा पैसा लगा दिया तो कहीं ना कहीं जब आपको 2 ईयर्स का एमबीए करना पड़ता है जिसके बाद आपको एक्चुअली प्लेसमेंट मिलते हैं बहुत बार उसके लिए फंड थोड़े से कम हो जाते हैं। खैर, दिस इज द कॉलेज नंबर 4 प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च। लेट्स गो टू द कॉलेज नंबर 5 जो हमारी लिस्ट में, वो है जीएसबी। सर जीएसबी जो पूरा प्योर कॉलेज है
कॉमर्स के मैक्सिमम कोर्सेज हैं उस कॉलेज में। इंदौर में काफ़ी अच्छी रैंक लगता है, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, फैकल्टीज काफ़ी अच्छी हैं और टू बी वेरी फ्रेंक फीस भी थोड़ी सी रीजनेबल है। तो नंबर फिफ्थ पे आता है दोस्तों GSB। अलग अलग कोर्स होते हैं MBA, BBA, BCom, BA, BCom ऑनर्स, BCA सर्टिफिकेशन कोर्स, सबका फीस स्ट्रक्चर गिवन है आपको, तो आप इसके लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। लेट्स गो टू नंबर सिक्स, अगर हम बात करें तो रेनेसा यूनिवर्सिटी इन इंदौर। सर ये पूरी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनेंगी, इसमें एन नंबर ऑफ कोर्सेज हैं। हमने मैक्सिमम कॉमर्स रिलेटेड कोर्सेज तो ज़्यादा लिए हैं बट इसमें भी एन नंबर ऑफ कोर्सेज हैं, MBA, PhD, MSc, BSc, BCom, LLM, BA, सबका फीस स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। तो सर इंदौर में अगर आप इंदौर का इंदौर में कॉलेज परस्यू कर रहे हैं तो यू कैन टेक रेनेसा यूनिवर्सिटी एज वन ऑफ योर लिस्ट। लेट्स गो टू नंबर सेवन, वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। सर अपने आप में कॉलेज काफ़ी अच्छा है, पढ़ाई की तरफ काफ़ी प्रैक्टिकल एक्सपोजर देते हैं, अटेंडेंस थोड़ी सी ज़्यादा हाई रेगुलरिटी होती है तो कॉलेज काफ़ी अच्छा है, एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, फीस बहुत ज़्यादा हाई नहीं है बट वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इज अ गुड कॉलेज टू ऑप्ट फॉर अगर आप इंदौर में किसी कॉलेज को ढूंढ रहे हैं। तो कोर्सेज के बारे में बताया हुआ है सारा की सारा विद देयर फीस, बच्चे चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर किसी को वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में ज्वाइन करना है। The next college is IPS Academy, again ये भी इंदौर के टॉप कॉलेजेस में से आता है। कोर्सेज ऑफर होते हैं BTech, MBA, MTech, BBA, BSc, MSc और BCom, अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है। सर क्या IPS Academy भी अच्छा एक्सपोजर देती है विद रिस्पेक्ट टू प्लेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैकल्टीज? यस। मैं बीच में एक बात बोलना चाहूँगा बच्चों, आप अभी किसी कॉलेज को सिलेक्ट कर रहे हो तो उसके तीन वैल्यू ग्राउंड होते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे सिर्फ कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर देख के उस कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर को फर्स्ट रैंक नहीं देना चाहिए। आप जब भी किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन ले रहे हो, उसकी फीस भर रहे हो तो सबसे पहला इंपोर्ट होना चाहिए उस कॉलेज के पास आउट होने के बाद उससे मिलने वाले प्लेसमेंट्स, कॉलेज कितनी अच्छी कंपनीज को अट्रैक्ट करता है, कॉलेज कितना अच्छा प्लेसमेंट देता है आपको। द सेकेंड इज द एडिशनल सर्टिफिकेशन कोर्सेज जो कि कॉलेज करा रहा है, क्योंकि टू बी वेरी फ्रेंक आप और मैं जानते हैं आज की तारीख में अगर आप सिर्फ BBA कर रहे हैं या सिर्फ BCom कर रहे हैं तो उससे आपको प्लेसमेंट नहीं मिलने वाला। जो कॉलेज अपने मेन कोर्सेज का BBA, BCom के साथ जो एडिशनल सर्टिफिकेशन कराता है उन कोर्सेज की थोड़ी ज़्यादा वैल्यू होती है। बट लेट्स गो टू द कॉलेज नंबर नाइन जो हमारे लिस्ट में है, मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी। ये भी अपने आप में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, अच्छी पहाड़ में बनी हुई यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करते हैं। अगर बात करें तो BTech, BTech, MBA, BBA, MCA, BCom ऑनर्स, BSc ऑनर्स, बी फार्मा, अलग अलग कोर्सेज की सारी फीस, सारा क्राइटेरिया आपको गिवन है बोर्ड पे। तो क्या सर हम इंदौर में कोई कॉलेज परस्यू करना चाह रहे हैं और हमारा किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के थ्रू नहीं हुआ है तो क्या हम मेडिकैप्स को ऑप में ले सकते हैं? यस, इट इज नंबर 9th ऑन आवर लिस्ट। लेट्स गो टू नंबर 10th, सेंट पॉल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा स्कूल टाइप का कल्चर है बट काफ़ी स्ट्रिक्ट और काफ़ी एजुकेशन ओरिएंटेड कॉलेज है। मैंने इसको स्पेशली अपने लिस्ट में डाला है क्योंकि टू बी वेरी फ्रेंक सेंट पॉल कॉलेज की मुझे एक अच्छी बात लगती है, दैट इज देयर रेगुलरिटी फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर आर कमिटमेंट टुवर्ड्स स्टडीज एंड देयर कमिटमेंट टुवर्ड्स स्टूडेंट्स। तो मैं नहीं बोलूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी बड़ा है कॉलेज बट सेंट पॉल कॉलेज पढ़ाई की तरफ बहुत ध्यान देता है, एजुकेशन की तरफ हाईली ओरिएंटेड होता है। तो नंबर 10th ऑन आवर लिस्ट इज सेंट पॉल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। लेट्स गो टू नेक्स्ट, अगर अपन लेवल आईटी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च। सर क्या ये भी एक अच्छा कॉलेज है इंदौर का? यस। आप अगर अपना BBA, MBA परस्यू करना चाहते हो, MBA ग्लोबल परस्यू करना चाहते हो, BBA ग्लोबल, सर जब मैं आप ग्लोबल बोल रहा हूँ तो इन कॉलेजेस की ग्लोबल के अंदर 3 साल की आपके अलग अलग इंटरनेशनल ट्रिप्स होती हैं, कभी आपकी वो दुबई में होती है, कभी US में ट्रिप करवाते हैं, कभी सिंगापुर में, इसके थ्रू एक एक महीना आपको इंटरनेशनल अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में आपको रहते हैं वहाँ पे और वहाँ पे आपको ट्रेनिंग देते हैं, तो वो ग्लोबल कोर्सेज होते हैं। तो यू इफ एनीवन वांट्स टू हैव अ ग्लोबल एक्सपोजर तो वो आईटी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को भी परस्यू अपने लिस्ट में रख सकते हैं। लेट्स गो टू लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सेज यूनिवर्सिटी। ये इंदौर में कंपेरेटिवली थोड़ी नहीं है बट फास्ट ग्रोइंग यूनिवर्सिटी है, प्लेसमेंट में काफ़ी अच्छी रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, फैकल्टीज काफ़ी अच्छे हैं। सो दोस्तों दीज आर द 12 कॉलेजेस, दीज आर द 12 कॉलेजेस विच आई कैन सजेस्ट टू एनी स्टूडेंट्स हु इज इन क्लास 12 एंड हैव टू ऑप्ट फॉर एनी कॉलेज इन इंदौर। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड करियर अहेड।